सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं। साथियों, ये शिक्षण योजना मुझे मुजफ्फरनगर जिले के जानसद ब्लॉक के शिक्षक साथी नीरज कुमार जी ने उपलब्ध कराई है। इसके लिए नीरज कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाई और उसके बाद मुझे मेरे चैनल पर अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड की गई एक शिक्षण योजना से बहुत सारे शिक्षक साथियों का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप किसी एक ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो चलिए जानते हैं कक्षा 6 गणित की शिक्षण योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले आप चार कॉलम बना लेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। सबसे पहले लर्निंग आउटकम, बच्चे प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कर लेते हैं, बच्चे अनुवर्ती संख्या व पूर्ववर्ती संख्या की जानकारी रखते हैं, यानी वे प्राकृतिक संख्याओं की उन्हें जानकारी है, उनकी पहचान कर लेते हैं और अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या की उन्हें जानकारी है। प्रकरण में आपके आ जाएगा प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट आएगा आपका सीखने सिखाने की सामग्री। तो सीखने सिखाने की सामग्री में आपकी पाठ्य पुस्तक हो जाएंगी, चाक हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड आपका हो जाएगा, इसके साथ साथ आप दीक्षा ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियां, इसके चार कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आपका आकलन के तरीके। तो सबसे पहले चरण में शिक्षण की शुरुआत में, इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका आपका बातचीत होगा, बच्चों से बातचीत करेंगे। शिक्षक निम्न सवालों की सहायता से अवधारणा स्पष्ट करेंगे, हाथ में 5 चौक लेकर बच्चों से पूछेंगे मेरे हाथ में कितनी चौक है, तो बच्चे जाहिर सी बातें बता देंगे कि 5 है। बच्चों से पूछेंगे आज कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो ये भी बच्चे गिन के बता देंगे कितने बच्चे हैं। तो उसके बाद आता है दूसरा चरण, शिक्षण के दौरान, इसमें आपकी 20 से 25 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका होगा आपका बातचीत। बच्चों से पूछेंगे कि आपने स्कूल बैग में रखी पुस्तकों की संख्या बताओ, बच्चे अपने स्कूल बैग को खोलेंगे और उसमें जो किताब रखी हुई है उनकी संख्या गिन के बताएंगे। अपनी कक्षा में उपस्थित बालक बालिकाओं की संख्या अलग अलग बताओ, यानी आपकी क्लास में कितनी लड़कियाँ हैं, कितने लड़के हैं, उनकी संख्या अलग अलग आपको गिन के बतानी है। यहाँ स्पष्ट करेंगे हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। ये बच्चों को बता देंगे कि हम बच्चों जो गिनने के लिए प्रयोग कर रहे हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं और गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, ये भी बच्चों को बता देंगे। अब ब्लैक बोर्ड पे शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, 15 मिनट के इसमें समय लगेगा, 10 जमा 1 बराबर, खाली स्थान छोड़ देंगे, फिर 12 जमा 1 बराबर, खाली स्थान छोड़ देंगे, 13 जमा 1 बराबर, खाली स्थान छोड़ देंगे। बच्चों से भरवाएंगे, थे बच्चे बता देंगे 10 में 1 जोड़ के 11 आ गया, 12 में 1 जोड़ के 13 आ गया, 13 में 1 जोड़ के 14 आ गया। इसी तरह 12 माइनस 1 बराबर क्या, 11 माइनस 1 बराबर क्या, 10 माइनस 1 बराबर क्या, इस तरह से बच्चों को बताएंगे। यहाँ पर शिक्षक स्पष्ट करेंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, यानी अगर आप 1 संख्या जोड़ देंगे तो उससे ठीक आगे वाली प्राकृतिक संख्या, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या कहेंगे, यानी उसे पहली वाली की अनुवर्ती संख्या कहेंगे। इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर, अगर मान लीजिए उसमें 1 घटा ले तो उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप पूर्ववर्ती और अनुवर्ती की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। पाठ्यपुस्तक के अभ्यास का कार्य को छोटे समूह में करने को देंगे। नेक्स्ट आता है तीसरा चरण हमारा, शिक्षण के बाद में, इसमें आपकी 10 मिनट लगेंगी, आकलन का तरीका आपका अवलोकन होगा,
सबसे पहले 5 मिनट में 4 समूहों में पाठ्य पुस्तक में लिखे प्रश्नों को हल करने के लिए देंगे। इस समय इसमें 5 मिनट लगेगी। उसके बाद गृह कार्य देंगे, इसमें भी आपकी 5 मिनट लगेंगी। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न घर से करके आने को कहेंगे, बच्चों कहेंगे कि यह प्रश्न आपको घर से करके लेके आने हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षक की आगामी योजना। इकाई को लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विभाजित करके, जो आपका पाठ है उसे लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विभाजित करके 35 से 40 मिनट की शिक्षक का योजना तैयार की जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी शिक्षण हुई, योजना हुई प्राकृतिक संख्या की, अनुवर्ती संख्या की और पूर्ववर्ती संख्या की, जिसको नीरज जी ने काफ़ी अच्छी तरह से बनाया है। साथियों, नीरज जी ने बहुत सुंदर शिक्षण योजना बनाई, इसके लिए नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाई और मुझे मेरे चैनल पर अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई एक शिक्षण योजना से बहुत सारे शिक्षक साथियों का भला हो सकता है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।